थ्री आउटसाइड डाउन के बारे में, एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका जो फॉर्मेशन है ये थ्री कैंडल के साथ बनता है। इसमें फर्स्ट कैंडल स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है, सेकंड कैंडल लॉन्ग रेड कैंडल होती है, और थर्ड कैंडल स्मॉल और लॉन्ग बेरिश कैंडल होती है। दूसरी कैंडल गैप ओपन होकर या फिर फर्स्ट कैंडल के हाई के बराबर ओपन देती है, और क्लोज फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे या फिर उसके बराबर देती है। इस तरह से ये दोनों कैंडल मिलकर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाते हैं, जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तीसरी कैंडल सेकंड कैंडल के बॉडी के बीच में कहीं भी ओपन होकर सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज देती है। इस पैटर्न में सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल मारो वो जो भी हो सकती है, इसलिए ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनमें लगा हुआ वॉल्यूम इंक्रीजिंग होता है। इस चार्ट पे लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर रेजिस्टेंस पर बनता है। इस पैटर्न के बाद लगने वाली कैंडल अगर गैप डाउन ओपनिंग देती है इस या फिर इस पैटर्न के लो के नीचे अगर ब्रेक करती है तो आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हाई के ऊपर रहेगा, टारगेट नजदीकी सपोर्ट एरिया रहेगा। इसमें आपको 1:1, 1:2 या फिर उससे भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ये सभी टाइम फ्रेम पर लगने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। इंट्राडे और डेली टाइम फ्रेम पर यह अच्छा वर्क करती है। इस तरह से 50 से ज़्यादा कैंडलस्टिक के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो लाइक।